दोस्तों मैनपुरी में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो ये कि मैनपुरी में सपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वहां सहयोगी समर्थक हैं, उन सब ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है। आपको बताना चाहूंगी सीधा मैनपुरी के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने यह प्रदर्शन किया है, धरना दिया है बकायदा। और यहां बताया ये जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। अगर आप कारण की बात करेंगे कि किस कारण की वजह से यह धरना प्रदर्शन हुआ है, तो आपको बता दूं कि मैनपुरी उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है सपा के जितने भी विधायक है, उन्होंने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया है। और वो कई हाथ में आप बोल सकते पोस्टर्स लेकर विधानसभा के बाहर खड़े होते हुए नजर आया दोस्तों, जो कि अपने आप में देखिए बड़ी खबर है। आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, मैनपुरी सीट भाजपा जीतेगी। रघुराज सिंह शाक्या लगातार दावा कर रहे थे, उनके बाद जो दोनों डिप्टी सीएम है साथ ही योगी आदित्यनाथ जी, वो दावा कर रहे थे। जबकि मुलायम सिंह यादव की सीट पर वर्चस्व किसका ज्यादा है, ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन राम गोपाल यादव समेत अखिलेश यादव और सपा के जितने भी लोगों ने चुनाव से पहले जो धांधली का आरोप लगाया था कि वोट काटे जा सकते हैं, चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, अब देखिए कहीं ना कहीं वो धरातल पर नजर आ रहा है। और सपा के जितने विधायक हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर देखिए मैनपुरी से निकलकर सामने आ रही है। अब पूरा उपचुनाव देखिए, उपचुनाव में जो मतदान है वो शुरू हो चुका है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, 6 बजे तक शाम तक चलेगी। अब 6 बजे तक या 6 बजे से पहले पहले इस मतदान के दरमियान क्या क्या होता है, कितनी खबरें सामने आती है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।